हेलो जी दोस्तों, आपने कभी ना कभी क्रैकर्स तो जरूर छोड़ा होगा, लेकिन क्या कभी आपने क्रैकर्स बनाया है और वो भी माचिस की सहायता से? तो आज हम इसी को करने वाले हैं, जो कि देख सकते हो कुछ इस प्रकार से एक नॉर्मल सा एक माचिस है और हम इसी से बनाने वाले हैं क्रैकर्स। तो वीडियो में काफी सारा मजा आने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कर देगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया। चलिए अब इस माचिस से आपको क्रैकर्स बनाकर दिखाते हैं। चलिए इस माचिस को लेते हैं और इसकी तिलियों को निकाल लेते हैं और हमें इस प्लास के सहायता से इन सब तिलियों से मसाले को छोड़ा लेते हैं कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर देखिए तो मैंने ढेर सारा मसाला को इकट्ठा कर लिया है। अब हमें ले ली इस पेपर को जो कि मैंने रोल कर लिया था और इसमें इस मसाले को भर देना है कुछ इस प्रकार से। तो मैंने इसे अच्छी तरह से भर दिया है और वह हमें चाहिए होगा एक क्रैकर और इसके मुंदी को निकाल लेना है, देख सकते हो। और इसे इसके अंदर कुछ इस प्रकार से डाल देना है। तो हमें ले लेना है इस फेविकॉल को और इसके ऊपर कुछ इस प्रकार से अच्छी तरह से इसे लगा देना है ताकि यह अच्छी तरह से चिपक जाए, तभी यह क्रैकर्स फटेगा। आप देख सकते हो मैंने इसे अच्छी तरह से लगा दिया है। तो चलिए अब इस क्रैकर्स को धूप में रख देते हैं ताकि अच्छी तरह से सूख जाए, उसके बाद ये चलेगा। तो यहाँ पर मैंने इसे रख दिया है। तो यहाँ पर क्रैकर्स अच्छी तरह से सूख चुका है, तो चलिए इसे चला कर देते हैं कितना मज़ा आता है। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास ये क्रैकर्स और इसे मैं रख देता हूँ यहाँ पर और अब मैं लगाता हूँ इसमें आग और फिर देखते हैं कि किस तरह से यह फटता है। तो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पर एक क्रैकर अच्छी तरह से नहीं फटा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आवाज़ किया, लेकिन उस तरह से आवाज़ नहीं किया जिस तरह से मैं सोच रहा था, क्योंकि यह आगे से फटा है। यह पूरा तरह से जो बीच से फटता है तभी यह बहुत ज़्यादा आवाज़ करता। तो यह मेरा ही गलती था क्योंकि मैंने आगे अच्छी तरह से चिपकाया नहीं इसे। तो आप बनाना तो इसे अच्छी तरह से फेविकॉल के सहायता चिपकाना, फेविकम कभी मत यूज करना, फेविकॉल ही हमेशा यूज करना, तभी यह अच्छी तरह से फूटेगा। तो वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।